This is live from Juan Ibrahim. You are given the knowledge to see me call. From Juan. Allah Allah Mawlana. Inna Allah wa malaika fahum yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladina aman. Sallu alayhi wa sallamu taslima. जुस्तजू जो ही बरसरे पैकार रही
और रूपा अमर रही, और आपके इखलास बड़े जज्बात में ईमानी शऊर के तहत ये अमल जारी रहा तो अपनी मंजिल पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। आज की ये महफिल अपने आकायाना नियामत के हुजूर हदिया अकीदत और 19 तारीख के इज्तिमा में आप सब की शिरकत पर हदिया तहनियत और हजरत जनाब सरे खैर आशिका और दोशो दीदारे आरिफा जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर नजराना सिद्क व अकीदत पेश करने के लिए और इस महफिल का शुक्र अदा करने के लिए जिसे हमारे दोस्तों ने महफिल इजहार तशक्कुर का नाम दिया है, आप सब इस काबिल हैं कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा मैं आपका शुक्रिया अदा कि हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तो वाकई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारा तो वाकई इसी तरह लेना देना होगा, आप मेरा शुक्रिया अदा करें, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, तो ये शुक्रिया तक में रहना इस शुक्र को अमर की तरफ ही ले जाना। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह हमें मुसलमान ही रखे उठाए और मुसलमान के जली उनवान से मैदान मैशर में पुकारे। अब चूंकि गुफ्तगू बहुत से उनवान उमड़ मुड़ के मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि मैं किसको आप करूँ किसको छेड़ू, तो बात फिर यहीं रुक जाती है कि अपना दिल देखता हूँ उसकी कैफियत, आपके चेहरे देखता हूँ आपकी बातें की मोहब्बत, तो उसके लिए सिर्फ दुआ पर ही इत्तेफाक करता हूँ के सदके में ये रफाकत सलामत है। मैं फिर आपको कहता हूँ कि आपको बहसीत मुसलमान इस मुल्क में पहुँचाया गया है, बहसीत मुसलमान इस मुल्क में बसाया गया है, और वो लोग कि जो इस्लाम के मुनाफी किरदार अदा करने में सबको ले जाने वाले हैं, वो लोग जो इस्लाम को एक नज़र देखना पसंद नहीं करते उन्हीं के घरों में आपको बसा कर उन्हीं के लिए आपकी मस्जिदों को बनवा कर उन्हीं के लिए आपको हुकूक दिलाकर ये साबित फरमा दिया कि मुसलमान इन तुम अंतम इतना यकीन कर लो कि मुल्क में आकर भी झंडा अगर आपके हाथों में ऊंचा ही नजर आता है तो समझो कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। दूसरी बात जो कहना चाहूँगा वो ये है कि उलमा से लेकर अवाम तक, मजलूम से लेकर औरतों तक एक ही सबक है जो बार बार पढ़ना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। इस एतबार से नहीं, वो तो है ही कि कलमा तैयबा पढ़ने से आदमी मुसलमान हो जाता है, इससे फर्ज अदा नहीं होता, इससे कर्ज अदा नहीं होता, इससे सिर्फ कुफर के अंधेरे से निकल कर इस्लाम के उजाले में इंसान पहुंच जाता है, मगर फर्ज अभी आपके सर पर कर्ज है बाकी है और आप इधर देख रहा है वो क्या इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम और मुसलमान मुंह से कह देना इस्लाम ये और बात है, मुसलमान इस्लाम का ओढ़ना बिछूना,
बनके इस्लाम का किरदार बनकर, इस्लाम की गुफ्तार बनकर, इस्लाम का नूर और शऊर बनकर, इस्लाम का प्यार और वकार बनकर, इस्लाम की सच्चाई और सदाकत बनकर, इस्लाम की दानाई और दिक्कत बनकर, जब घर से कदम बाहर निकालता है तो दूर से हर आदमी पुकारता है इस्लाम इस्लाम इस्लाम। माज़ा हाजरी उदखलू फी सिल्म काफा, जिसे ईमान मिल गया उसे पक्का मुसलमान होना पड़ेगा। ये शहादत गाय गुरबत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जो जो लोग सही मुसलमान हुए आज अगर दुनिया से चले भी गए तो उनकी बारगाहें आबादें सैकड़ों लाखों लोग उनके इर्द गिर्द खड़े सलात और सलाम पेश करते हैं, दरूद मोहब्बत पेश करते हैं, फातिहा पेश करते हैं और उनको अपने और खुदा के दरमियान वसीला बना के बैठे हुए हैं जिन्होंने इस्लाम को अपना बनाया और खुद को इस्लाम के हवाले कर दिया। वो खुद उसी सिल में काफा मुकम्मल सलामती में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल निगाह मुसलमान करो, जबान मुसलमान करो, कान मुसलमान करो, दिमाग मुसलमान करो, दिल मुसलमान करो, कदम मुसलमान करो, रफ्तार इस्लामी, किरदार इस्लामी, गुफ्तार इस्लामी, रफ्त इस्लामी, गरिफ्त इस्लामी, सुस्त इस्लामी, नशस्त इस्लामी, नियाम इस्लामी, क़याम इस्लामी, तुआम इस्लामी, हयात इस्लामी, मौत इस्लामी। मरना तो है ही है मगर मरो भी फिर मुसलमान ही हो गए। जनाजे किसके लिए उठते? सिखों के उठते, योगियों के उठते, अंग्रेजों के उठते, गैर मजहब के उठते, मुवाहिदीन के उठते, मुसलमानों के भी उठते हैं। लेकिन मुसलमान का जनाजा उठे तो अर्श की मखलूक उतर के आ जाती है और जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत की फिजाएं बिखर जाती है। मुसलमान वो कब्र में भी मुसलमान है, वो दुनिया में भी मुसलमान है, वो सेहत में भी मुसलमान है, वो बीमारी में भी मुसलमान है, वो तजारत में भी मुसलमान है, वो बगैर शरारत के जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम इस्लाम इस्लाम। सच बोलना, अभी मैं आप तकलीफ तो नहीं करता लेकिन छोटी सी बातें कर रहा हूँ, सच बोलना ये मत बोलो कि मैं सच बोलता हूँ, नहीं ऐसा मत करो। ये मैं अपनी सोच की बात करता हूँ, आप बेहतर समझते हैं, मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं। मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, ऐसा मत करो। मैं सच बोलता हूँ क्यों? इस्लाम में। मैं झूठ नहीं बोलता क्यों? इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं सच बोलता हूँ ये छोड़ो, मैं सच इस्लाम सच है इसलिए बोलता हूँ और इस्लाम झूठ मना करता है इसलिए झूठ नहीं बोलता। तो गोया मैं नहीं बोलता झूठ, इस्लाम नहीं बोलने देता। नजर उठाते क्यों नहीं? मुझे शर्म आती है, नहीं छोड़ दो इस बात को, मुझे हयात ही छोड़ो इस बात को, इस्लाम कहता है ना उठाओ। आज तक बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी खाना ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये इस्लाम की एक रिवायत है। और बोलना इस्लाम, सोना इस्लाम, चलना इस्लाम, खाना इस्लाम, और ये इस्लाम है क्या? इंसान की ये बॉडी है, मसलन एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर टायर मौजूद है, बॉडी मौजूद है, सीटें मौजूद हैं, इंजन मौजूद है और एक एक पुर्जा मौजूद है, क्या नाम है इसका? गाड़ी। ये चलती क्यों नहीं? खड़ी है। चलती क्यों नहीं? कोई चलाने वाला नहीं है तो गाड़ी है तो गाड़ी, फिर बैठते क्यों नहीं? बैठते इसलिए नहीं कि है तो खूबसूरत मगर जिसके हाथ में स्टेयरिंग नजर आता है वो नजर नहीं आता, इसलिए इसमें बैठते ही नहीं। और टूटी फूटी गाड़ी भी हो तो उसमें अच्छे अच्छे लोग भी बैठ जाते हैं इसलिए वो चलना जानती है। खूबसूरत गाड़ी भी हो चलना नहीं जानती तो लोग उसमें नहीं बैठते। ये सारी जिंदगी पाँव है, जिस्म है, हाथ है, उंगलियाँ हैं, बाल है, खाल है,
हड्डी है, पोस्त है, दिल है, जिगर है, रूह है, तन है, मन है, जाहिर है, बातिन है, सर है, खफी है, अफवाह है, नफ्स है, रूह है, फिर है, दमाद है, सुल्तानुल अज़कार है, ये सारा इस्लाम है। तो चलते क्यों नहीं? इसलिए कि गाड़ी नजर के हमारे अभी नहीं हुई। गाड़ी खुद स्टार्ट होती है, गाड़ी खुद चलती है, खुद रुकती है, हाँ कभी कभी रुक जाती है, चलती खुद नहीं, रुक जरूर जाती है। जब नस आए तो रुकती है। कुछ बेशुमार गाड़ियां रुकी हुई है और बहुत खूबसूरत गाड़ियां सफर में और कोई गाड़ियां पहुंच गई है। फिर कमाल ये है कि एक गाड़ी के लिए एक ही ड्राइवर है। ये तो गाड़ियां चल रही है मगर ड्राइवर एक है। ये करोड़ों गाड़ियां चल रही है या अरबों गाड़ियां चल रही है, ड्राइवर एक है। मालूम हुआ वो एक ड्राइवर बज़ाहिर तो नजर नहीं आता मगर इंजन का हर पुर्जा उसके कब्जे में है, नजर में है, बाकी उसके ख्याल में है, सवारियां उसके हिफाजत में है। वो ड्राइवर एक ही जगह बैठा हुआ है, कायनात की गाड़ियां चला रहा है और हर गाड़ी मंजिल की तरफ जाती है। उसके रवानगी का अड्डा भी है और उसके रुकने का मकाम भी है। अपने दिल से, अपने ख्याल से, अपने मरकज से हर गाड़ी को ड्राइवर खींचता है आखिरी अड्डे पर, आखिरी अड्डा मदीना मुनव्वरा। ड्राइवर कौन है जो एक जगह बैठ कर पूरी कायनात पे चला रहा है? अगर नबी पाक के गुलाम तदबीर आलम में कारकुन मौजूद है तो जिसके जरिए इनको मकाम है, आलम है कौन मकाम है, इख्तियार अमल की कुव्वत मिली है जिसके सब के, वो क्या सारी कायनात को गाड़ी को नहीं चला रहा होगा? वो है जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह। गाड़ी में बैठना है तो ड्राइवर के माता तो के इस्लाम में गाड़ी है उसमें बैठो, फिर ड्राइवर की माता तो जिधर वो चलाए चलो, जहाँ रोके रुको, जहाँ बोले बुलवाओ और जहाँ दिखाए देखो और जो खिलाए खाओ और जहाँ मन करे दूध पी जाओ। जब इस तरह करोगे तो होगा क्या? तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा वजूद भी मुसलमान, तुम्हारे जाहिर पर भी इस्लाम, तुम्हारे अंदर भी इस्लाम, तुम्हारे कदम में भी इस्लाम, तुम्हारे दिमाग में भी इस्लाम। जब ये इस्लाम गालिब होगा तो इस्लाम है क्या? ये सारा इस्लाम, पूरा इस्लाम ये घूम रहा है एक वजूद पाक के इर्द गिर्द। यदूर हो रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा इस्लाम अज अव्वल ता आखिर जो इस्लाम है ये नबी पाक के इर्द गिर्द घूम रहा है। नबी पाक का इर्द गिर्द घूम रहा है तो गोया इस्लाम नबी पाक की जात, नबी पाक की जात रहने इस्लाम और उस इस्लाम के अंदर दाखिल हो, यानी अपनी मर्जी छोड़कर मर्जी ये मुस्तफा में मुस्तफा में गुम हो जाओ ताकि उस गुरु फिर सिर में जो इस तरह करते हैं, जो इस तरह करते हैं उनको इख्तियार भी मिलता है, उनको नजर भी मिलती है। जो नजर उनके बगैर हो उसके मुताबिक कुरान कहता है आंखें हैं मगर देखती नहीं, जबान है मगर बोलती नहीं, कान हैं सुनते नहीं, कदम है मगर, हाथ है मगर, दिल है मगर। मालूम हुआ कि जो उनका हो के आएगा, नजर भी उसकी, जबान भी उसकी, कान भी उसके, हाथ भी उसके, कदम भी उसका, दिल भी उसका, वरना सब अहले गिल, वरना तमाम अहले गिल। और जो इस मंजर से निकल गए तमाम बारगाह मुस्तफा में
बिल्कुल जब दाखिल हुए उन हुरूफ की सिर में काफा, नई नजर मिलती है, नई जबान मिलती है, नई आंख मिलती है, नया दिल मिलता है। इस दिल में दिल का मालिक आके खुद जलवे में फेर देता है। उमर फारूक की जिंदगी देखो, साहबा की जिंदगियां देखो, अवैस करनी का जज्बा देखो, और शहर निहामन में रहने वाले के मकाम देखो, और पानी से अमतराम होने वाले को देखो, और जो जा रहे क्या नाम है लश्कर लेकर और एक जंगल में ठहरे, और लश्करी आके कहे हुजूर यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ नहीं ठहरना, क्यों यहाँ जालिम चीर फाड़ के खाने वाले दरिंदे मौजूद हैं, यहाँ अगर सोए तो चीर फाड़ के खाएंगे दरिंदे। तो आपने फरमाया वो दरिंदे हैं हम मुसलमान, वो दरिंदगी लेके आए हैं, हम बंदगी के जरिए इस्लाम लेकर आए हैं, इस्लाम के जरिए बंदगी लाए हैं, हम बंदे हैं, वो दरिंदे हैं, दरिंदे बंदों पर वालिब नहीं, दरिंदा मगलूब है, बंदा वालिब है, तो बंदा बंदा किस पे बनता है जब वो सारे इख्तियार खत्म करके उस खुदूफ हिस्से में नबी पाक का ही हो जाए, तो फिर वो मुसलमान होता है, और मुसलमान हाकिम होता है, मासूम नहीं होता। हजरत जहाँ दरिंदे खाएंगे, फरमाया सुनो भाई खड़े हो गया ऐलान कर दो ए जंगल में रहने वालों आज मुसलमान यहाँ आए, ए जंगल में रहने वालों क्या आवाज है, हे जंगल में रहने वालों सुनो ये जंगल तुम्हारा ही सही मगर आज नहीं, ये तुम्हारा बसेरा जरूर सही आज नहीं, जानते हो आज कौन है वो लोग जो उद्भुलु हिस्से में की तफसीर है, जो उद्भुलु हिस्से में की ताबीर है, और जो कायनात की तकदीर है, ये तौखीर और तस्लीम का लिबास पहन कर आए हैं। दरिंदो निकल जाओ, आज तुम यहां नहीं रह सकते, और दूसरे लफ्जों में आज नबी पाक के गुलामों का बसेरा उम्मती तुम भी हो, उम्मती हम भी हो, मखलूक तुम भी हो, मखलूक हम भी हैं, जिंदा तुम भी हो, जिंदा हम भी हैं, मगर हम महबूब हैं, मगर हम महबूब हैं, हम मकरून हैं, हम करीब हैं, हम करीब हैं, आप दूर हैं, उम्मती होकर दूर हैं, हम उम्मती होकर करीब हैं, आपके अंदर सलामती नहीं हमारे अंदर बगावत नहीं, आपके अंदर सलामती नहीं हमारे अंदर बगावत नहीं, आप उनके होकर भी नहीं है और हम किसी के भी नहीं थे, उन्हीं के होकर सारा जान हमारा हो गया, लिहाजा निकलो। थोड़ी देर में देखा ईडन निकल रहे थे, रीछ निकल रहे थे, शेर निकल रहे थे, जंगली जानवर निकल रहे थे, बिच्छू निकल रहे थे, सांप जा रहे थे, छोटे छोटे छोटी छोटी कीड़ियां निकल रही थी, निकल रही थी, और सारा सारा लश्कर तमाशा देख रहा, तमाशा देख रहा कि एक जर्नैल के कहने पर इस पर मखलूक जा रही है, और वही पानी मुसलमान उम्मती तो है ना, ये काफिर है ना मुसलमान, खुदा से मखलूक है। जहां अकल है वहां तीन सिफते हैं, निफाक कुफर इस्लाम, निफाक कुफर इस्लाम, ये तीन ही तो हैं, और इसके मुतल्लिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो फरमाया गया कि ऐ शाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाह हैं, वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, मैं तफसील खासन की इबारत पढ़ने लगा हूं, वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल पाक तुम पर गुनाह तुम पर गवाह हैं और गवाह होंगे, नबी पाक मेरा रसूल तुम्हारा गवाह है, तुम्हारा गवाह होगा। तो इसके तहत नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अब साहिब तफसीर खासन देखता है शाहिद अल्लाह मन आमन बिल ईमान व अला मन नाफक बिल निफाक व अला मन कफर बिल कुफ, इस दुनिया में जितने काफिर हैं नबी उनके गवाह हैं, जितने मुनाफिक हैं नबी उनके गवाह हैं, जितने मोमिन हैं नबी उनके गवाह हैं, ईमान भी दिल में
कुफर भी दिल में और निफाक भी दिल में, सारी कायनात के दिल मेरे नबी के साथ। जैसी जिंदगी है उसमें और खुशगवार कैफियतें बदियत हो जाए तो उसके मुताबिक जिंदाबाद। फिर रब भी फरमाता है फला नबी गन्ना हो आई आतन तैयबा जिंदाबाद। ये हम ही थोड़े नारे लगाते हैं पुराना जिंदाबाद पुराना जिंदाबाद, तो खुदा फरमाता जो मेरी जमात है जिंदाबाद। अलबत्त हम जब जिंदाबाद कहते हैं तो दरवाजे से निकलने के बाद ये नारा खत्म हो जाता है, और खुदा जब नारा लगाए जिंदाबाद का तो जिंदगी से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक, हशर से लेकर जन्नत तक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सैयद आलम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इस्लाम है, लिखे तो इस्लाम है, बोले तो इस्लाम, चुप हो जाए तो इस्लाम, नजर झुका ले तो इस्लाम, सुभान अल्लाह, पाए तो इस्लाम, सुने तो इस्लाम है, न सुने तो इस्लाम है, कायनात को देखे तो इस्लाम है, और कभी खुदा को देखे तो इस्लाम है, खुदा की मखलूक को देखे तो इस्लाम है, जन्नत की सैर करे तो इस्लाम है, मदीने में रहें तो इस्लाम है, मक्के से हिजरत करें तो इस्लाम है, घर के अंदर बैठे तो इस्लाम है, गार के अंदर बैठे तो इस्लाम है, बारे हराम में जाए तो इस्लाम है, बारे शोर में जाए तो इस्लाम है, सिद्दी के कंधे पर बैठे तो इस्लाम है, सिद्दी के कंधे पर बैठे तो इस्लाम है, अरे इस अरे सिद्दी तू भी कायनात का इस्लाम सर पे उठा रहे, सिद्दी के कंधे पे बैठे तो इस्लाम है, मदीना मुनव्वरा में जाए तो इस्लाम है, खंदक खोले तो इस्लाम है, पेड़ पर पत्थर बांधे तो इस्लाम है, इनका काफिर के जिस्म पे बर्दाश्त करे तो इस्लाम है, करोड़ों का माल तकसीम करे तो इस्लाम है, और देखिए इस हाल में कि कई के दिन घर कई के घर दिन में चूल्हा ना चले, आग रोशन ना हो, खाना ना पके, इस्लाम है, इस्लाम है। ये वारदातें मुख्तलिफ क्यों है? इसलिए कि क़यामत तक इस्लाम ने रहना है, और हर दौर में हर दौर में हर अमल हर हिकमत हर कैफियत नजर आएगी, कहीं सहरी कहीं भूख कहीं बीमारी कहीं तंगी कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती कहीं बीमारी कहीं दुश्मनी कहीं अदावत कहीं मोहब्बत कहीं सदाकत कहीं अमानत कहीं सरवत कहीं अमारत, ये सब चीजें अपने अपने दौर में आएगी। नबी हर दौर का रात बड़ा नबी, हर दौर में इज्जत देने वाला, हर दौर में जिंदगी देने वाला, हर दौर में जिंदगी और उसके तकाजे देने वाला, इस्लाम 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 इस्लाम, ये सब इस्लाम है, ताकि किसी को किसी जेब से भी इस्लाम के दायरे से बाहर निकलता हुआ ना देखे। एक गुलाम आया, मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ और मैं खत्म करने वाला हूँ अभी जल्दी। एक गुलाम आया रोने लगा, क्यों रोते हो क्यों रोते हो? मेरी बारगाह में मेरे होते हो, अगर इश्क में रोते हो वो बात अलहदा, कोई दुख में रोते हो कमाल करते हो, मैं दुख देकर सुख दे कभी भी बात की है कि तुम रोते हो क्या जुदाई बर्दाश्त है तो फिर क्या हुआ दे जाओ, तो दूर जानते हुए भी बात होती नहीं दे दो। ये जिस तरह के रिवाज है, एक दुकानदार आटा वजन कर रहा हो या आटे का बैग उठा के दे रहा हो तो करीब से बच्ची झगड़े तो कहेगा चाचा की करते हो,
वो देखते हुए भी बोलता है की करते हो, देखता जे इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना के जान बूझ कर ना वाकिफ हो जाना। तो नबी पाक ने फरमाया रोते कि वो तो फरमाई चल जाएगा यहूदी भी छोड़ता। क्या कहता है? वो कहता है 40 ओ किए, 40 तोले सोना दे और 200 खजूर में ये मोहर लगा, जब उनका फसल मंडी में बिकेगा तुम आजाद हो जाओ। या रसूलल्लाह इतना लंबा बाप कई साल लगते हैं, मैं मरी ना जाऊँगा इतनी दौर में, तो फिर आपसे बिछड़ के मरना, फिर मैं किस जिंदगी के अंदर हूँ, फिर मैं आया ही क्यों था। नबी पाक उसके आंसू देख कर ना अपने प्यार के साथ हुजूर ने हमेशा तबस्सुम में दर्दमंदों के आंसू पड़े। नबी पाक ने अपने तबस्सुम में दर्दों के आंसू पड़े, तबस्सुम भरवा के पूछा साहबा किसके पास खजूरों के पौधे छोटे छोटे 200 टुकड़े होते। तो फरमाते तो सोना है भी, जी है, हाँ है मेरे पास, उड़ाइए अपने हाथ में रखा, बंद किया, मुट्ठी देखी, फिर गुलाम देखा, मुट्ठी देखी फिर आशिक देखा, मुट्ठी देखी फिर हिजरत के सदमे की लकीरें देखी, मुट्ठी खोली 40 तोले बढ़े। अच्छा वो किसी के पास डोल है पानी के लिए है, अच्छा कुदाल है भी, बेलचा भी है, चलो सर कहाँ है जमीन की होगी थी जिफरा तो कहा आगे हो मेरे पास साथ हो जाके खड़ा हो दूर में फरमाया बेलचा आपने कुदाल आपने थोड़ा सा इशारा किया फरमाया खड्डा खोद लाओ ग्राफ लगाओ तुम दूसरा खड्डा खोद वो दूसरा खड्डा खोदने लगे तो हुजूर ने फरमाया मुझे दे दे रखा साहबा को फरमाया मट्टी डालो मट्टी डाली और फरमाया पानी देकर डालने लगे तो देखते दूसरे दरख्त को है हम पानी इधर डाल रहे देखते दूसरे को है जब ये पानी डाल के फारिग होते हैं दूसरे की तरफ जाते हैं तो ये दरख्त बड़ा होते 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 हद जितनी होती है खजूर के दरख्त की उतना हो गया दूसरा एक दरख्त से फारिग होके दूसरे पर जाते तो पीछे वाला बड़ा होता और उसके साथ खजूर का भी जाती गुलामी की सादत हासिल करो। ये जाना ये आना ये उठना ये बैठना ये दुख बांटना और सुख देना ये इस्लाम है। इसी को इस्लाम कहते हैं। उदखुलू फिर सिल्म मेरे गुलामों तो फिर आपके हर हर कोर से इस्लाम ही नजर आए। हज़रत गिरामी एक जलीलुल कदर सहाबी जिसको नबी पाक ने अपनी आग के अंदर शामिल बना दिया हजरत गवर्नर बनाया उनको इराक का। जब ये गए तो बड़े बड़े हाजरीन उलमा मुतबाहिर अहले तजर्बा उन्होंने पूछा आप कश्मीर गिरामी फरमाया सुलेमान तो अरब में 3 नाम होते हैं अपना बाप का दादे का तो फरमाया बाप का नाम फरमाया इस्लाम फरमाया बाप का नाम इस्लाम अच्छा सबका इस्लाम ही है कहते मैं मुसलमान मेरा बाप मैं खुद इस्लाम मेरा नाम सुलेमान मैं सुलेमान हूँ इस्लाम का बेटा हूँ मेरा बाप भी इस्लाम है मेरा दादा भी इस्लाम है सब कुछ इस्लाम है। ये कैसे फरमाया जिसने जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा कर खुदा का दीदार करवा दिया है वही इस्लाम है और उसी ने बताया कि अव्वल आखिर इस्लाम ज़ाहिर बातिन इस्लाम। आप मुसलमान हैं कमाल ये है
कि आप लोग नमाजें भी ना पढ़े तो फिर भी काफिर कहे मुसलमान, रोजे ना रखे तो फिर भी कहे मुसलमान, और शराब खाने में चले जाए तो वो फिर भी कहे मुसलमान, जुए में पकड़े जाए तो फिर भी कहे मुसलमान, और जेल में जाए तो फिर भी वो कहे मुसलमान, और कहें कि अंग्रेज इतना काफिर, इतने मुसलमान, इतने यदि जेल में जाओ तो भी इस्लाम का नाम नहीं मिटा, शराब पियो तो इस्लाम का नाम नहीं मिटा, और कुरान नहीं पढ़ते, नावर पढ़ते हो तो इस्लाम का नाम नहीं मिटा, विलासत में जिंदगी भरी जिंदगी गुजारते हो तो इस्लाम का नाम नहीं मिटा, अगर ये इस्लाम ही होना मशूना हो जाए तो बताओ तुम्हारे नाम की आजमत क्या होगी। परेशान कर अब उसकी गीबत कर, अब उसकी तिगड़ी कर, उसने तुम्हारे जिम्मे पे काम लगाया तो उसको नुकसान दे, दिल बार बार कहेगा लेकिन फौरन रूह की आवाज आएगी, ईमान की आवाज आएगी, तो मुसलमान हो ख्याल रखना तो फिर क्यों तुम ये नहीं करते। फरमाया इस्लाम ने मना किया है, कौन सा इस्लाम? हजरत मुहम्मद तो मालूम हुआ कि ये सारे इस्लाम की ताबीर इकट्ठी करो, 100-100 किताबें लिखो कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, तो हासिल नतीजा क्या होगा कि इस्लाम की असल ताबीर क्या है, इस्लाम की असल नक्शा, असल तस्वीर क्या है, असल तफसीर, असल तस्वीर, असल तकदीर जनाब मुहम्मद। इस्लाम पर इतना अमल करो कि चलता फिरता हर आदमी के मुंह से बात निकले तो ये कौन है, ये ना कहे राजा साहब जा रहे हैं, वही साहब जा रहे हैं, सूफी साहब जा रहे हैं, ये दुकानदार जा रहे हैं, ड्राइवर जा रहे हैं, और उसके मुंह से निकले इस्लाम जा रहा है, वो कौन आ रहा है, मत बोलो ये सूफी है, ये मौलवी है, ये काफी है, ये जट है, ये राजा, ये सैयद है, ये पठान है, ये आवान है, ये फलाना है, ये फलाना, ये फलाना, मत बोलो आता हुआ कोई नजर आए तो कौन है, इस्लाम, और उसके जवाब में लोग खड़े हो जाए इस्लाम आ गया, तो वो इस्लाम आया तो आया क्या, मोहब्बत आई, दयानत आई, प्यार आया, वकार आया, दोस्ती आई, आशती आई, अमन आया, सुलूक आई, दोस्ती आई। हजरात जो आपने तहरीक चलाई, मैं इन उलमाए किराम का बस इनके दिल बस समीमे कल बसित के दिल बस समी में कल लाहौर बैठे हुए थे तो एक आदमी ने पूछा जी समीम का क्या तर्जुमा, तो एक मेरे पास बैठे हुए थे बुजुर्ग, तो वो हर बात में वो खामखा लुच तकते थे तो हर आदमी लुच तकते थे, तू ले आओ तो किसी मुझे ये समीम का माना क्या, तो वो सबसे पहले बोले अगे समय कच्चा पक्का इरादा तो जो आप भी कलबे सलीम के साथ इस तारीख के अंदर शामिल हो जाओ, यही कच्चा पक्का इरादा नहीं कि आज के बाद अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे महबूब की उम्मती महबूब के गुलामी की निस्बत से तेरी बारगाह में हाल होकर इल्तिजा करते हैं, आज से लेकर मरते दम तक हमें मुजस्सम इस्लाम बना दे। क्या ख्याल है कि ये लोग जो आपको मकान दे रहे हैं,
मिल्कियत में इख्तियार दे रहे हैं, असेंबलियों में आपको बुला रहे हैं, आपको क्या कहते हैं पड़े एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसका ओहदा दे रहे हैं, जजेस का ओहदा दे रहे हैं, और मेरा अंदाजा है कि इसके बाद वजारते भी देंगे, और इसलिए दे रहे हैं कि आपको अपना बना लें, आपको अपना बना लें, और आप इस मुल्क को अपना समझते हैं या नहीं, जरूर नहीं, बस हर मुल्क मुल्क खुद आएगा, हर मुल्क मुल्क के मास्क सारा मुल्क अल्लाह ना ये अल्लाह की मिल्क है, और जहां अल्लाह की मिल्क है वो हमारा ही मुल्क है। मैं जब शेर पढ़ रहा था तो भूल गया फारसी का शेर, आप सब का रोक पढ़ गया शेर था जन सिंह के, तो ये शेर था कि हराम कारे के बे उस्ताद बादशाह, जो काम बगैर उस्ताद के हो वो मुकम्मल नहीं होता। तो उसका दूसरा मिसाल इस तरह है कि दीवार टेढ़ी हो जाए तो आखिर तक दीवार टेढ़ी रहती है। तो मुझे वो बिल्कुल याद ना रहा, मैंने फिर पढ़ा कि हर आम कार्य के बे उस्ताद बाशत, तो फिर खुद अपनी तरफ से गिरा लगाई, नतीजा उसका आखिर खराब बाशत। आप आज ऐद करें कि आज के बाद हम मुसलमान रहेंगे, रब ने रोका नहीं करेंगे, जिस बात से मेरे मुस्तफा ने मना किया है, जिसके करने का हुक्म दिया नहीं छोड़ेंगे। अगर ये जज्बा नहीं पैदा होता तो फिर बेमकसद है, जब से बेमकसद है, जब से इस एतबार से आप दिल को रूह को जिस्म को जान को तन मन को जिंदा करें। आप लोगों ने 19 तारीख को एक किरदार अदा किया है, उसके नक्श गहरे हैं, इसके बाद हमारी तारीख चलेगी और हम इलेक्शन देख रहे हैं, जब इलेक्शन खत्म होगा फिर देखेंगे हुकूमत किस नैस की है, किस दस्तूर तौर तरीक की है, उसको देखने के बाद फिर कौन कौन हमारे मुसलमान जीते हैं। आज भी मैंने जंग वालों को इंटरव्यू दिया और यही पैगाम दिया मैंने कि जितने लोग सिलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं उन पर पाबंदी लगाओ कि जिस जिस दर्जे के तुम लोग हो उसी दर्जे की हैसियत से इस्लाम का नाम लेना न चाहो, इस्लाम की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए उसका इजहार भी करो, किरदार भी नहीं अदा करो इजहार भी करते चलो। तो आप लोगों ने ये काम करना है, लेकिन हम हुकूमत देखें, वन पार्टी गवर्नमेंट तो बनेगी नहीं, ये दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएगी, उस दौर के मुताबिक फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे कि आइंदा इस मार्के के लिए कौन सा मैदान चुनते हैं। ये अजब मार्का होगा और एक दिन आएगा कि आप लोगों के हाथों में फतह का झंडा होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सारे अंबिया की इज्जतों का परचम लहराया जाएगा, और कानून बनेगा कि आज के बाद अंबिया की बारगाह में कोई आदमी गलत मुंह नहीं खोल सकेगा इंशाअल्लाह। ये आप लोगों ने करना है, मेरा ख्याल है इसी दिन के लिए अल्लाह ताला आपको चुन चुन के यहाँ भेज रहा है, वरना और तो ऐसी बड़ी में बदल पड़ना कि तुझी रख के कौन से बाकी के गुनाह की तुम्हारी किस्मत में ये चीज अल्लाह ने लिखी है, इसलिए यहाँ भेज रहा है, वरना बड़े बड़े काबिल लोग पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लायक लोग पीछे बैठे हुए हैं। बाहर क्या आप लोग आपकी औलादें देखते नहीं कि आपकी सुस्ती और गफलत से आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, एक मुसलमान के जब मुसलमान को मारने लगे है ये इस्लाम, और जो आप अमीर बनता है अमीर इस्लाम बनता है कि हम इस्लाम ना हो कहने लगे और तेरे हाथ से
तेरी जबान से समझाएंगे लोग मुसलमान पे खत्म करें, सजदों में गोलियां बरसाएं, खड़े हो तो कुरान पढ़ते हुए उनके जनाजे उठे और इनके जिस्म के टुकड़े करते हो, यही तुम्हारा इस्लाम है? तो तेरे इस्लाम पर मेरे नबी का ये इस्लाम नहीं है, ये मेरे नबी का इस्लाम नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम ये, काफिर मस्जिद में आया, मस्जिद में पेशाब कर गया, एक साहबी उठे पकड़ने के लिए, नबी पाक ने फरमाया फारिग होने दो, ना वाकिफ है, इसको वाकिफियत दिलानी है, और रात ठहरा, नबी अपना बिस्तर दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? फरमाया इस्लाम है। हजरत अली मुर्तजा लड़ते एक बेचारे एक काफिर पहलवान के साथ, गिराते उसके सीने पर पांव रख के खड़े होते हैं, करीब था कि उसके टुकड़े कर देते, उसने मुंह की तरफ थूक दिया, तो आपने पांव हटाया, तलवार बंद कर दी, वो खड़ा हुआ, तो उसने सबसे पहला सवाल ये किया कि अब मेरी तलवार है और तुम हो, लेकिन इससे पहले कि मैं ये चलाऊं तलवार और तेरे टुकड़े करूं, तू बता मुझे छोड़ा क्यों? तू बता। उसने जवाब दिया अली मुर्तजा ने, तेरा मेरा आमने सामने होना, तेरा कुफर था मेरा इस्लाम, लड़े दोनों, तेरा कुफर लड़ रहा था, इधर मेरा इस्लाम लड़ रहा था, और जब इस्लाम ने कुफर गिराया तो कुफर ने बेअदबी की, इस्लाम की आवाज आई कि आप अगर मारोगे तो इसमें नफसानियत शामिल है, इस्लाम और नफसानियत इनके दरमियान कोई रास्ता नहीं, इनके दरमियान कोई रास्ता नहीं, इस्लाम सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि इस्लाम की चादर पर दाग न रहे। मुसलमान हो गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, कत्ल करते तो क्या होता, क्या हुआ, और छोड़ दिया तो क्या हुआ? कत्ल करते तो काफिर मरता, समझो, कत्ल करते तो काफिर मरता, हजरत अली ने काफिर नहीं मारा, कुफर मारा। मुसलमान हो गया, यही इस्लाम है, ये इस्लाम अगर काफिर हुआ तो बचेगा कौन? और तेरे और काफिर में फर्क क्या कह दिया बाहर के उन फूलों की सिल में मेरे इम्तिहानी बाजे इस्लाम दोस्तों, कल किसी वक्त मुझे ये दोनों हजरात वाइस चांसलर साहब और पी आई ए के मोहतबर है डॉक्टर मंजूर खान साहब, ये दोनों मुझे इंग्लैंड से निकालने के लिए आए। पहले तो मेरा ख्याल था मैं इनकी ना मानूँ, लेकिन ये बार बार काम आते हैं, फिर मैंने कहा मान ही लेते शायद इसमें भी कोई इस्लाम की आबरू का नतीजा हो, तो हम मैं भी लेकर आऊँ इस्लाम के लिए, और ये बताऊँ तो वापस आऊँगा फिर इस्लाम के, आपको छोड़ के जा रहा हूँ इस्लाम के लिए, वापस आके देखूँ तो आपको मसरूफ देखूँ इस्लाम के लिए। कल इंशाल्लाह रमजान शरीफ में मेरी और आपकी मुलाकात होगी, और नूर टीवी के लिए मैं अपील करूंगा, इस वक्त चंदे की अपील नहीं करता, मैं अपील करूंगा आप नबी पाक के गुलामों से कि हर माह 5 पाउंड दे दिया नबी की इज्जत के लिए, तौहीद की हुर्मत के लिए, इस्लाम की आबरू के लिए, ये 5 पाउंड लगा दें तो किसके लिए? इस्लाम हर आदमी जो काम करता है वो पॉइंट, पूरे घर से पॉइंट पॉइंट नहीं, हर आदमी जिसकी इनकम है वो 5 पॉइंट। एक मरीज उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके जानने वाले गाँव बैठे हुए